तो दोस्तों फाइनली रेडमी बहुत जल्द अपने बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जैसा कि रेडमी के CEO ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन होने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो, जिसमें कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro में आपको कोई खास डिजाइन में फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको Redmi Note 8 Pro के जैसा ही ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 90 GHz के रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतरीन रखने वाला है, जैसा कि रियलमी X2 में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जैसा कि रेडमी नोट 8 प्रो से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो में यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आपको यहां पर एक देखने को मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है 32 MP के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 735 का प्रोसेसर, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है क्वालकॉम की तरफ से, जो कि 5G के कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 735 का प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। और ये Redmi का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको 5G के कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जहां 108 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग का होने वाला है। और उसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड क्यू का सपोर्ट, जो कि आने वाला है MIUI 11 के साथ। एंड फाइनली दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला 13W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Redmi Note सीरीज का स्टार्टिंग प्राइस 14,000 rupees के करीबन देखने को मिलता है, तो दोस्तों स्मार्टफोन का भी बेस वेरिएंट का प्राइस आपको 14,000 to 15,000 rupees के अंडर ही देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है स्टार्टिंग बेस वेरिएंट 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों स्मार्टफोन को देखने को मिलने वाला है 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया के अंदर। और दोस्तों ये 2020 का पहला बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल।